फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं मैथमेटिक्स यूपीएससी से रिलेटेड सीसेट पेपर को देखते हैं। उसमें 75 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन एप्टीट्यूड रहता है, जिसमें रीजनिंग और मैथ रहता है, और 30 क्वेश्चन आपका रहता है वो गद्यांश से रिलेटेड। तो अब हम देखेंगे प्रत्येक थर्सडे को, ठीक है, मैथमेटिक्स में नहीं देखेंगे, रीजनिंग भी कभी बाद में शुरू होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ मैथमेटिक्स रहेगा। और जो प्रीवियस क्वेश्चन आ गया है, लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन अलग रहता है लेकिन टाइप वही रहता है, सिर्फ डेटा चेंज रहता है। तो मैं वैसे ही क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा और 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा सप्ताह में एक दिन, ठीक है ना। तो और ज्यादातर मैं उसे कोशिश करूंगा ट्रिकी मेथड से, ठीक है ना, क्योंकि गद्यांश को मैंने जब देखा था कि उसमें ज्यादा टाइम लेता है, और ये सब थोड़ा यदि ट्रिकी सब है तो जल्दी जल्दी बन जाएगा। और होता क्या है ना, वो तो सिर्फ पासिंग मार्क्स उसमें लाना होता है आप लोगों को, तो 45 नंबर में वो आप यदि मैथ और रीजनिंग को ही सिर्फ टच करके बना देते हैं तो पास मार्किंग आ जाता है। लेकिन यदि आप गद्यांश को भी देखना चाहते हैं तो ट्रिकी मेथड से यदि आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स को जल्दी जल्दी बनाइएगा तो उसके लिए टाइम बचेगा, क्योंकि यहाँ एक्यूरेसी ज्यादा होने की संभावना होती है, वहां पे एक्यूरेसी थोड़ा कम होता है। कितना भी ध्यान से उसको बनाइएगा गद्यांश को, तो गलती होने का चांस बहुत अधिक होता है, जिसके कारण निगेटिव जाने के कारण। तो फोकस करना क्या है आपको, 45 क्वेश्चन जो ये आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिलाकर होता है ना, बस आप इस पे कंट्रोल कर लीजिएगा, बस 30-35 क्वेश्चन सही से बना दीजिएगा, और 4-5-7-8 गलती भी हो जाता है उस स्थिति में, तब पर भी जितना आपको चाहिए वो आ जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको पास होना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी फिलहाल अंकगणित को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, तो अंकगणित को लेकर चल रहे हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए क्वेश्चन जो भी रहता है लॉजिकल टाइप का रहता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बगल में सॉल्यूशन भी दिखेगा, ठीक है ना। तो दौड़ मुकाबले में 100 गज की दौड़ होती है भी होती है और 100 मीटर की भी होती है। तो यहाँ पे 100 गज और 100 मीटर की दौड़ होती है, 100 मीटर गज की अपेक्षा कितने मीटर अधिक है, तो 100 गज और 100 मीटर में आपको यहाँ पे तुलना करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, चलिए लिख रहे हैं कि एक गज बराबर कितना होता है, 36 इंच होता है, ठीक है, जिसको 3 फीट बोलते हैं, कि 3 फीट को एक गज बोला जाता है। अब है कि एक इंच बराबर कितना होता है, आपको मीटर सेंटीमीटर के कन्वर्शन में ले जाना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एसएससी रेलवे इसमें कभी कभी डेटा का वैल्यू तो दे भी दिया जाता है, लेकिन आपका इसमें नहीं दिया जाएगा। तो गज इंच और क्या क्या पाउंड ये सब का कन्वर्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक गज बराबर 36 इंच और एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब हमको ध्यान देना है कि 100 गज को हम मीटर में लेकर जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करना होगा, यदि 100 गज को हम मीटर में लेकर जाएंगे तो इसको कन्वर्शन कैसे करेंगे। अब यहां ध्यान देना है कि 100 गज है, तो पहले इसको हम क्या करते हैं, 36 से गुना कर देते हैं, तो इंच में चेंज हो गया। अब इसी को 2.454 से गुना कर देते हैं, तो इतना सेंटीमीटर में चेंज हो गया। इसी को 100 से भाग देते हैं तो जाकर ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब इसमें कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा दोस्तों, इसके लिए इसका कैलकुलेशन मेरे पास उपलब्ध है, ये जब कीजिएगा तो 91.4 कितना आएगा, 44 मीटर आ जाएगा। अब दौड़ हो रहा था 100 मीटर और गज के पीछा कितने हैं, तो घटा दीजिए, अब 100 में से 91.44 घटाएंगे तो ये आपका बी ऑप्शन 8.56 मीटर आ जाएगा। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन रहते हैं मैंने देखा, उसमें ज्यादातर मीडियम और इजी क्वेश्चन ही रीजनिंग और मैथ का रहता है। 15% जो कठिनाई का स्तर हर एग्जाम में रहता है तो वो होगा ही, तो वो क्वेश्चन उस प्रकार के रहते हैं, ठीक है। और एक चीज,
चलिए तो पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और बाद बाद में करेंगे, पहले अब सॉल्यूशन सारे देख लेते हैं। अब देखिए ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री का औसत कितना है 14 है और एक्स टू और एक्स थ्री के योग का दुगना 30 है, तो एक्स वन का मान क्या होगा। तो सिंपल सा है कि औसत के नियम आप पढ़े हैं तो कुल योग क्या होता है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बराबर कितना हो जाएगा योग। अब औसत तीन संख्या का है तो ये 42 हो जाएगा, 14 + 42। अब यहां कह रहा है कि एक्स टू एक्स थ्री के योग का दोगुना 30 है, तो ये दोनों का दोगुना 30 है तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा 30/2 यानी कि 50। अब देखिए कि कह रहा है एक्स वन निकालिए, तो ये तीनों का योग 42 आ रहा है और दो ये एक्स टू और एक्स थ्री का योग कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो ये दोनों में आप माइनस कर लीजिए आपका एक्स वन निकल जाएगा, तो ये घटाने के बाद कितना आता है 27, ये भी ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। करा यदि एक टेलीविजन सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितने प्रतिशत घटाया जाए कि मूल्य स्तर पर वापस आ जाए। अब देखिए ये बड़ा आपको इसको ठीक है बेसिक मेथड से बनाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसका राम बांध देता हूं कि आप इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। ठीक है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बस एक लाइन में इसको सॉल्व करना है या मन में भी सॉल्व हो जाएगा, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन पे। ठीक है ना, अब देखिए 25% है तो ये किस रूप में है, 100/4 के रूप में। भिन्न कब कम होता है, कम अधिक होता है, जब नीचे अधिक रहेगा तो भिन्न कम हो जाता है, जब नीचे कम रहेगा तो भिन्न अधिक हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं कि 25% बढ़ा दिया गया, मूल्य नया मूल्य कितने प्रतिशत घटाया जाए कि मूल्य स्तर पर वापस आ जाए, तो हमको कम देखना है, तो कम करने के लिए क्या करना होगा, ये 4 है तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं 20%। फिर से समझाते हैं, यहीं पे क्वेश्चन रहेगा कि 25% घटा दिया गया कितना बढ़ाया जाए कि मूल्य, ठीक है हाँ, नया मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि मूल स्तर वापस आ जाए, क्योंकि यहाँ पे घटा दिया गया, तो उस स्थिति में आपको क्या करना होता, ये 4 था तो इससे कम 3 से भाग देते हो, 33.1/3% आ जाता। ठीक है, तो ये कम और अधिक करने का ट्रिक हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा किसी घड़ी को घंटे की सुई और मिनट की सुई की एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होती, तो बहुत ईजी है ना, इसको तो लॉजिक लगा सकते हैं कि आप देखिए एक घड़ी है, ठीक है, यहाँ पे 12, 6, 3 और 9, तो ये इस तरह से यहाँ पे एक 90 डिग्री बनता है और एक यहाँ पे जब जाता है तब 90 डिग्री बनता है ना, मतलब कि एक तरह से हम 12 बजे की बात और इस तरह से ले रहे हैं, तो एक घंटा के राउंड में अब यहाँ पे रहेगा या यहाँ पे रहेगा, तो ये तो एक दूसरे के विपरीत हो जा रहा है या फिर एक ही दूसरे पे यहाँ पे संपाती होगा, ठीक है, 180 डिग्री नहीं तो दोनों एक पे आएगा, तो इस स्थिति में एक घंटा में 2 बार कितना बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन कि किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण होती है, तो टोटल कितना हो जाएगा 48 बार, ठीक है, 24 × 48 24 घंटा में, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा। अब ध्यान देना है, फिर से घड़ी का बनाते हैं, यहाँ पे 12 बजे से लेकर इधर एक राउंड लगाते हैं तो 12 घंटे का होता है, 24 घंटा में 2 बार राउंड लगाना होता है। ठीक है, तो करें एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा, तो एक राउंड लगाने में 12 घंटा में कितना होता है 360 डिग्री चलता है 12 घंटा के अंतराल पे, और आपको चलाना है कितना, तो 1 डिग्री चलेगा 12/360 और आपको 135 डिग्री घंटे की सुई को ले जाना, मिनट की सुई की बात नहीं हो रहा है, फिर घंटे की सुई की बात हो रहा है, तो इसको बेसिक मेथड से ही बना लीजिए, तो कितना हो जाएगा 12/360 × 135। ठीक है, इसको आप काट छाट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12 × 36 3 से कटते हैं तो 3 × 4 12 3 × 5 15।
ठीक है, देखते हैं भारत या 36। तो ये क्या आ गया, 45 घंटे? नहीं रुके रुके रुके, ये 10 मतलब 4:30 जाना चाहिए, तब आपका कितना आ जाएगा, 4.5 घंटा जब जोड़ेंगे तो 7:30 आएगा। इस कैलकुलेशन को देख लेते हैं, कहां पॉइंट मेरा नहीं आ रहा, पूरा प्री कट जा रहा है। हाँ हाँ सॉरी, दिख तो गया, चलिए होता है, मिटाया तो इसको, फिर से यहाँ कैलकुलेशन देखते हैं। हाँ तो ये क्या था, 12/360 × 135, तो ये 12 या 36 तीन से घटा, हम सिर्फ 3 लिख लिए थे इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था। अब इसको जब भाग दीजिएगा तो ये 4.5 घंटा आ जाएगा, तो 4.5 घंटा यदि 3 में वो जोड़ते हैं तो 7:30 बजे ये टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां ए और बी 650 रुपए की कीमत पर खरीदी, बी वह एक को 20% लाभ पर तथा बी को 25% हानि पर बेचकर दोनों घड़ियों का वही विक्रय मूल्य प्राप्त करता है। अब कह रहा है ए और बी का क्रय मूल्य क्रमशः क्या होगा, इसको भी ट्रिकी मेथड से देखते हैं कि जब सम्मिलित रूप से खरीदा जाए, अब बेचने पर विक्रय मूल्य समान प्राप्त हो, वहां पे लाभ और हानि पे बेचने का ये दिया हुआ हो, तो आपका क्रय मूल्य दोनों पूछे तो क्या करना है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, इसका ट्रिक होता है CP1 ratio CP2 निकालना हो तो क्या कीजिएगा, 100 ± R2 ratio 100 ± R1, ये है क्या, जितना लाभ और हानि पर बेचा जाएगा उसको विपरीत में रख के प्लस माइनस को हानि और लाभ के अनुसार करना होगा। तब यहाँ पे देखिए कि ए को 20% लाभ पे, बी को 25% हानि पे, तो आर टू तो ये हो गया आपका और ये R1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस कितना 25 और रेशियो ये हो जाएगा 100 + 20, तो ये हो जाएगा 75 ratio 120। अब इसको यदि हम करते हैं तो 15 × 75 = 20 से, तो ये आपका CP1 और CP2 का रेशियो आ गया। अब जब रेशियो आ गया तो टोटल मूल्य दिया हुआ है, वहां से आप निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पे CP1 लिखते हैं तो टोटल कितना है रेशियो 8 × 5 = 13 हो जाएगा, और ए का निकालना है तो ए का कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे, टोटल कितना है आपका सीपी तो 650 है, तो 13 × 5 = 65 ये आ गया 250। अब 600 है तो दूसरा तो कॉमन बात है कि 400 आएगा, ठीक है, तो 250 और 400 ये आपका क्या हो गया सीपी हो गया। तो ये हुआ एक सिंपल सा ट्रिक इस प्रकार के क्वेश्चन को, इसको बेसिक मेथड से आप बनाते हैं, इक्वेशन तैयार कीजिएगा वो आप जानते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, ये नीचे दी गई श्रेणी में लुप्त भिन्न क्या है, तो थोड़ा सा इसमें लॉजिक था इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। अब होता क्या है ना, ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे नहीं रखते हैं तो वही तो ह्यूमन एरर में चला जाता है जल्दी जल्दी में। अब देखिए ये क्या है, 4/9 है, 9/20 है और ये 39/86 है। अब यहाँ पे देखने से लग रहा है कि 4/5 = 20 किया है, 9 × 9 छोड़ दिया है, उस अनुसार से यदि यहाँ पे 20 रखते हैं 9/5 = 45 हो जाएगा, और ऑप्शन में देखिए आपका दिख रहा है, लेकिन ये गलती हो जाएगा, आगे आपको चेक करना होगा कि आगे भी सीरीज पे काम करता है कि नहीं। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ओवर एक्साइटमेंट में देखते हैं कि हाँ आंसर तो मिल ही रहा है, इसको टिकअप करके आगे चले जाते हैं, तो ये आपकी गलती हो जाती है, क्योंकि अब आगे यदि करते हैं तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 25 100, लेकिन ये काम कहाँ कर रहा साहब, नहीं कर रहा है, तब हमको इसमें लॉजिक ढूंढना होगा कि किस पे ये काम किया। तो देखिए ना, 4 × 8 = 9 हुआ, 9 × 18 = 20 हुआ, ठीक है। तो इसी पर देखते हैं करके तो क्या होगा, 9 × 18 = 19 होगा, 2 × 40 = 42 होगा, तो ये तो काम कर रहा है। आगे बिल वाले को चेक कर लेते, 9 × 38 = 39 होगा, 42 × 84 = 86 होता है, तो ये ट्रिक काम कर रहा है आपका, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सी को काटते हैं, डी पे लगाते हैं, ये जो कॉमन एरर हम लोग करते हैं ना छोटा छोटा, ये बहुत दिक्कत की बात है, इसीलिए जब इजी लगे क्वेश्चन तुरंत आंसर मिले तो एक बार रीचेक जरूर कीजिए, और उस एक्साइटमेंट में यदि बिना चेक किए आप उस ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, यहाँ क्लिक नहीं रंगना होता है, रंग देते हैं, बाद में जब ध्यान जाता है तो वहां पे कोई उपाय नहीं कि आप सुधार सकते हैं। तो ये छोटा छोटा जो एरर होता है ना, आपको इसको सुधारना होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
करा यदि x प्लस टू वाई बराबर टू एक्स प्लस वाई हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये सब इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी चलिए स्कूल क्या होगा, टू वाई में इधर लाके घटाते हैं तो y होगा, x उधर घटाते हैं तो x और y बराबर है। अब हमको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू भी तो एक्स के बराबर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों काट देते हैं एक आ गया ठीक है। तो जब ये आ गया एक आंसर एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोमल और आशा की मासिक आय 4:3 के अनुपात में, उनके मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में, यद्यपि दोनों ही 600 रुपये प्रति मास प्रति माह की बचत करती हैं तो उनकी कुल मासिक आय क्या है। इसको बेसिक ऐसे बना सकते हैं कि ये 4x बटा है, ये 3x है और प्रति माह बचत कितना है 600 है ये घटा देंगे ठीक है। तो आय जितना हो रहा है उसमें बचत घटाएंगे तो क्या बचेगा, व्यय बचेगा, तो व्यय का रेशियो से इसको तुलना कर देंगे, ये बेसिक हो गया ठीक है। अब इसको ट्रिकी यदि बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अब जब इक्वेशन तैयार हुआ तो 4x लिखे थे और 3x, तो यहाँ x निकालना यदि सीख गए, x निकल जाएगा तो वैल्यू निकल जाएगा, तो x निकालने के लिए क्या करना होता है ना कि बाद वाले अनुपात का अंतर, तो बाद वाले अनुपात तो कितना है 3:2 है तो इसको 1 लिख देंगे ठीक है। अब 4:3 और 3:2 इसको आरी तिरछी गुना करते हैं 9 और ये 8 आया ठीक है। ये दोनों का अंतर नीचे लिखते हैं और जितना ये कम और बेसी बचत का हो रहा है उसको यहाँ पे लिखते हैं ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 600 रह गया। अब आपको कह रहा है कि उनकी कुल मासिक आय, तो यहाँ पे कुल मासिक आय का रेशियो को यदि तुलना करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 7×42 हो जाएगा। तो इस पे आप यदि भी बेसिक भी बनाते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो भी इजी ही है लेकिन ये रहे तो और ज्यादा इजी है, तो इस मेथड से आप बना सकते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। करा एक पात्र में जल इस प्रकार भरा जाता है कि उसकी मात्रा प्रत्येक 5 मिनट के बाद दोगुनी हो जाती है, यदि पात्र पूरा भरने के लिए 30 मिनट लेता है तो उसे चौथाई मात्रा तक भरने के लिए कितना होगा ठीक है। ये पात्र है, ये आधा चौथाई मतलब कि 25% भरना है हमको और पूरा भरने में कितना टाइम लग रहा है 30 मिनट। अब यहाँ पे मेन लॉजिक यही है ठीक है ना। अब यहाँ पे भी हम बताते हैं कि बच्चे क्या करेंगे, यदि है तो इजी क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लेकिन नहीं दिमाग लग रहा है तो यदि तुक्का लगाना चाहेंगे तो कॉमन सी बात है 99% का तुक्का लगाने का तरीका जब मैंने गौर किया है तो क्या होता है थोड़ा जो ऑप्शन लगता है एक्सेप्शन टाइप का कि यही आंसर होगा तो ये यूपीएससी में नहीं होता, वो जानबूझकर आपको एक्सेप्शन डाला जाता है कि आप वहीं जाकर स्ट्राइक करें यदि तुक्का लगाते हैं। तो देखिए ये 7:30 यही तो एक ऑड ऑप्शन आपको दिख रहा है, बाकी तो आपको फ्रैक्शन बिना फ्रैक्शन के दिख रहा है। तो यदि आप तुक्का लगाने की बात करेंगे तो ज्यादातर इसी पे टिकअप करेंगे कि नहीं ये होना चाहिए, चलो नहीं बन रहा तो इसको ये टिकअप कर देते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो ये ऑप्शन जानबूझ के ऐड किया गया है। अब इसका आंसर जो होगा आप देखिए क्या होगा, कह रहा है कि प्रत्येक 5 मिनट के बाद दोगुनी हो जाती है, तो 30 मिनट पे है तो आधा भरने में कितना टाइम लगा होगा, 5 मिनट घटा देते हैं 25 मिनट पे आधा भरा होगा क्योंकि हर 5 मिनट पे क्या हो जाता है दुगना भर जाता है, तो फुल भरने में 30 मिनट लग रहा है तो आधा भरने में 25 मिनट लगा, तो आधा भरने में 25 मिनट लगा, आधा के आधा और करेंगे तो 1/4 पे तो आ जाएंगे ना, 1/4 तो हमको निकालना है, तो आधा भरने में 25 मिनट लग रहा है, 5 मिनट और यदि हम घटते हैं 20 मिनट पे आते हैं तो 1/4 भरने की बात तो कर ही देगा, 1/4 जो है आपका भर जा रहा है कितना देरी में 20 मिनट में, सो आंसर 20 होगा, तुक्का लगाकर ये नहीं होगा। तो हमारा क्लास जो है मैथमेटिक्स का साहब सप्ताह में एक ही दिन लेकर आऊंगा ठीक है, और यदि बेहतर रिस्पांस मिला इस क्लास का तो रीजनिंग को भी मैं लेकर आऊंगा। तो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के सेकेंड पेपर का 45 क्वेश्चन का जिम्मा मैं लेता हूं। आप हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।